मेरे हजरत ने मदीने में मनाई होरी, फूलों गुलाबों ने क्या खूब रचाई होरी। मेरे हजरत ने मदीने में मनाई होरी, शेर हर हाथ में पिचकारी लिए आते हैं। उस पर धूम मची है कि वो आई होरी, मेरे हजरत ने मदीने में मनाई होरी। गंगा जमनी तहजीब का अगर कोई एंथम होता तो आई थिंक गौहर जान का गाया हुआ ये जो गाना है, जो गजल अभी आपने सुनी, अपरूपा गुप्ता की आवाज में वो होता। यस, अपरूपा गुप्ता एक सिंगर हैं, शी इज़ अ म्यूजिशियन, और उन्होंने हमारे इस एपिसोड के लिए गाने की फरमाइश की, तो हमने कहा कि भाई ये तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा अगर आप नज़ीर अकबर आबादी स्पेशल, होली स्पेशल एपिसोड में कुछ गाना चाहेंगी। Brilliant cover, brilliant performance by Aparupa Gupta for Urdu Nama. The Quint पर शुरू हो चुका है उर्दू नामा, मैं हूँ फबेहा सैयद। आज हम बात कर रहे हैं नज़ीर अकबर आबादी की, और हम बात कर रहे हैं होली की, नज़ीर की होली की। जी हाँ, नज़ीर अकबर आबादी गंगा जमनी तहजीब को रिप्रेजेंट करते हैं, हिंदुस्तान का जो मिला जुला कल्चर है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। एक मुसलमान है खुद, लेकिन लिखते लॉर्ड कृष्णा के ऊपर है, कृष्ण भक्ति के ऊपर इतनी उन्होंने अपनी नज़में कही हैं। ही इज़ ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ नज़्म, यानी उनके आने से पहले जो पोएट्री की फॉर्म थी उसमें गजलें ज्यादा हुआ करती थी, नज़में भी लोग लिखते थे, लेकिन नज़ीर की खास बात ये थी नज़मों को पॉपुलराइज करने में कि उन्होंने मासेस की बात की थी, उन्होंने एक बहुत ही आम बोलचाल में आम लोगों की उठने बैठने की, दिन रात की, खाने पीने की बातें की हैं। अगर वो ईद, रमजान, शबे बारात के ऊपर लिखते तो दिवाली, होली और लॉर्ड कृष्णा पे भी उनकी शायरी होती। तो हमने सोचा कि इस साल जो होली का एपिसोड है उसमें हम आपको नज़ीर अकबर आबादी से मिलवाएं। नज़ीर अकबर आबादी, जिनका असली नाम वली मोहम्मद था, वो उर्दू के एक मशहूर शायर थे। उनकी पैदाइश 1735 में हुई और माना जाता है कि उनकी पैदाइश दिल्ली में हुई थी, जबकि उनका नाम अकबर आबादी है, यानी अकबराबाद के वो रहने वाले खुद को कहते थे। अकबराबाद वो जगह है जो आगरा के पास अब है, आगरा समझ लीजिए। लेकिन जब नज़ीर कोई 18-20 साल के थे तब अहमद शाह अब्दाली ने दिल्ली पर कब्जा किया था, और तब कहा जाता है कि वो पूरी फैमिली के साथ दिल्ली छोड़कर आगरा की तरफ बढ़ गए थे और फिर वहां जाके रहने लगे। आगरा में भी वो इसलिए गए क्योंकि उनके जो ननिहाल थी वो आगरा की थी, बल्कि असल बात ये थी कि नज़ीर अकबर आबादी के जो नाना थे नवाब सुल्तान खान, वो आगरा फोर्ट के गवर्नर हुआ करते थे, इसीलिए दिल्ली छोड़कर आगरा जाके बसने का उनका ऑप्शन हमेशा से उनके लिए खुला था। तो नज़ीर की शायरी की अगर हम बात करें तो उनकी शायरी में आपको हिंदुस्तानी जबान का इस्तेमाल खूब मिलेगा, और महबूब की मोहब्बत और उसका वसल और हिजर जैसे जो थीम्स हैं बहुत ही कॉमन है उर्दू शायरी में, वो तो मिलेंगे ही मिलेंगे। इनफैक्ट नज़ीर की गज़ल मैं आपको इस पॉडकास्ट के आखिर में भी सुनाऊंगी। अपरूपा गुप्ता ने वो पीस भी परफॉर्म किया है हमारे लिए, तो मैं आई एम डेफिनेटली गोइंग टू प्ले दैट वन। बट उससे पहले नज़ीर की जो होली वाली नज़में हैं वो मैं आपको सुनाना चाहूँगी। तो उनकी शायरी में आपको सोशल जस्टिस मिलेगा, जिंदगी के जो बहुत ही आम तज़ियात हैं उनका जिक्र होगा। उनकी शायरी में हिंदुस्तानी तहजीब की अहमियत और अक्सरियत का बहुत ही ज्यादा इजहार है, और उनकी शायरी सिर्फ उर्दू में ही नहीं है, फारसी और ब्रज भाषा में भी उन्होंने बहुत कुछ लिखा है। उनके कलाम में नज़में तो हैं ही, उसके अलावा गज़लें और दोहे तक शामिल हैं। यहाँ तक कि उनके तीन बहुत ही आइकॉनिक टेक्स्ट्स हैं। अगर आप नज़ीर अकबर आबादी को बतौर शायर समझना चाहते हैं, इंशाल्लाह कभी आपको मैं उनके ऊपर एक और तवील पॉडकास्ट जब करेंगे तब मैं आपको सुनाऊंगी कि आदमी नामा, बंजारा नामा और रोटी नामा, ये तीन उनके इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट्स हैं जिन्हें शायरी के जो शैदाई हैं उन्हें ज़रूर पढ़ना चाहिए। थोड़ा थोड़ा तो अभी आपको बता ही देती हूँ मैं कि उनकी जो रोटी नामा नज़्म है उसमें नज़ीर अकबर आबादी ने रोटी यानी खाने की मुख्तलिफ जो शक्लें हैं उनके बारे में बयान किया है। इसमें वो रोटी के मूल्य और महत्व को, उसकी इम्पोर्टेंस को बयान करते हैं, और ये सब करने से क्या मतलब था। रोटी नामा लिखने के पीछे गरीबी और
सोशल जस्टिस के मुद्दों को उन्होंने छुआ है। उसी तरह आदमी नामा में भी उनकी एक बहुत ही तवील सोशल कमेंट्री है। उसमें उन्होंने इंसानियत के जो टॉपिक्स हैं उस पे बात की है, इंसान का कैरेक्टर, उसके इमोशंस, उसकी लाइफ की इम्पोर्टेंस, उस पर उन्होंने विचार किया है। फिर आता है बंजारा नामा। बंजारा नामा में नजीर अकबर आबादी ने बंजारों यानी जिप्सीज, नोमैड्स के जीवन के बारे में बात की है। तो इस नज्म में वो बंजारों की जो लाइफ है उस पर फोकस करते हैं। इस तरह से ये कहने को बंजारे हैं लेकिन उनकी जो उनका जो लाइफ स्टाइल है वो यूनिवर्सल सिम्बोलिज्म कैसे बन जाता है, बेसिकली इम्पर्मनेंस के ऊपर एक बहुत ही स्ट्रांग उनकी कॉमेंट्री है। तो ये बहुत ही रोज़मर्रा के टॉपिक्स हैं, बहुत ही ज़रूरी टॉपिक्स हैं जिनको अगर आप शायरी के माध्यम से समझना चाहते हैं तो उर्दू क्या आप हिंदी भी बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। इसीलिए नज़ीर अकबर आबादी हिंदुस्तानी लिटरेचर के आइकन हैं। और जब हम हिंदुस्तानी लिटरेचर की बात करते हैं तो गंगा जमुनी तहजीब की हम बात करते हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा है कि ये जो आज का पॉडकास्ट है इसमें हम बहुत रुक रुक के बातें नहीं करेंगे, इधर उधर की बातें नहीं करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ नज़ीर की नज़में पढ़ेंगे। दीज आर लॉन्ग टेक्स्ट्स, सो आई एम नॉट गोइंग टू टेक एनी ब्रेक्स इन बिटवीन। ऑफ कोर्स जब एक नज़म ख़त्म हो जाएगी तब एक छोटा सा ब्रेक लेंगे हम, उसके बाद एक और नज़म पढ़ेंगे, फिर छोटा सा पॉज लेंगे। तो मैं सिर्फ चाहती हूँ कि आज पूरे पॉडकास्ट में आप उनकी ज़बान के ऊपर ध्यान दीजिए कि वो कितनी सरलता से कितनी इम्पॉर्टेंट बातें कह जाते हैं, और वो बातें जो हम इग्नोर, आई मीन वी टेंड टू इग्नोर दोज थिंग्स। तो आज हम नज़ीर अकबर आबादी की जो होली पे लिखी हुई नज़में हैं उन्हें पढ़ेंगे। शुरू करें? ठीक है। सारी नज़मों का नाम होली है, तो पहली होली वाली नज़म है कि कातिल जो मेरा ओढ़े एक सुर्ख शाल आया, शाल यानी शॉल, कातिल जो मेरा ओढ़े एक सुर्ख शाल आया, खा खा के पान जालिम कर होंठ लाल आया, गोया निकल शफक से बदरे कमाल आया, जब मुंह से वो परीरू मल कर गुलाल आया, एकदम तो देख उसकी होली को हाल आया, खालिस कहीं से ताजी एक जाफरा मंगा कर, मुश्को गुलाब में भी मलकर उसे बसाकर, शीशे में भर के निकला चुपके लगा छुपाकर, मुद्दत से आरजू थी एकदम लगा चुका कर, एक दिन सनम पे जाकर मैं रंग डाल आया, इशरत का उस घड़ी था असबाब सब मुहैया, बहता था हुस्न का भी उस जा पे एक दरिया, हाथों में दिलबरों के सागर किसी के शीशा, कमरों में झोलियों में सेरों गुलाल बांधा, और रंग की भी भरकर मशको पखाल आया, अय्यारगी से पहले अपने तई छुपाकर, चाहा कि मैं भी निकलूं उनमें से छुट छुटाकर, दौड़े कई ये कहकर जाता है दम चुराकर, इतने में घेर मुझको और शोर गुल मचाकर, उस दम कमर कमर तक रंगो गुलाल आया, ये चहल तो कुछ अपनी किस्मत से मच रही थी, ये आबरू का पर्दा हुरमत से बच रही थी, कैसा समा था कैसी शादी सी रच रही थी, उस वक्त मेरे सर पर एक धूम मच रही थी, एक धूम में भी मुझको जो कुछ ख्याल आया, लाजिम न थी ये हरकत है खुश सफीर तुझको, अजहर है सब कहे हैं मिलकर शरीर तुझको, करते हैं अब मलामत खुर्दो कबीर तुझको, लाहौल पढ़ के शैतान बोला नज़ीर तुझको, अब होली खेलने का पूरा कमाल आया। अच्छा, होली की नज़में तो चलती रहेंगी लेकिन जो बीच बीच में ख्याल है मुझे लगता है इन पॉजेज में वो आपके साथ शेयर करने बड़े ज़रूरी हैं। वायरल फैला हुआ है जी, हमारे घर में सब लोग बीमार हो चुके हैं, अब होली भी आ रही है, होली में आप गुलाल भी मलेंगे, रंग भी डालेंगे, तो थोड़ा ना ख्याल रखिएगा, इस तरह से ख्याल रखें कि अगर जैसे गीले हों गर्म पानी से जाके नहा ज़रूर लीजिए। अब बेशक ना नहाएं लेकिन कोशिश करें कि ठंडी चीज़ें थोड़ी ध्यान से इस्तेमाल करें। रमज़ान चल रहे हैं, हमने भी थोड़ा जज्बात में आके एक रूह अफ़ज़ा का ग्लास चढ़ा लिया, ठंडा वो भी, तो आप ऐसा कुछ मत करिएगा। आइए दूसरी नज़म पढ़ते हैं नज़ीर की, उसका भी नाम होली है। लिखते हैं, मिलने का तेरे रखते हैं हम ध्यान इधर देख, भाती है बहुत हमको तेरी आन इधर देख, हम चाहने वाले हैं तेरे जान इधर देख, होली है सनम हंस के तू एक आन इधर देख, ए रंग भरे नौ गुले खंदा इधर देख। ये एक्सप्लेन करूंगी, रंग भरे
नौ गुले खंदा, नौ मीन्स न्यू, गुल यानी फ्लावर, खंदा यानी हैप्पी, प्रफुल यानी वो फूल की कली जो अभी अभी खिली है, यानी कि शायर की महबूबा। ए रंग भरे नौ गुले खंदा इधर देख, हम देखने तेरा ये जमाल इस घड़ी ऐ जा, हम देखने तेरा ये जमाल इस घड़ी ऐ जा, आए हैं यही करके ख्याल इस घड़ी ऐ जा, तू दिल में ना रख हमसे मलाल इस घड़ी ऐ जा, मुखड़े पे तेरे देख गुलाल इस घड़ी ऐ जा, होली भी यही कहती है ऐ जान इधर देख। ऐ जान, ऐ लड़की, ऐ लड़के, तो ऐ यानी किसी को आवाज़ देकर जो अपनी तरफ बुलाते हैं, जान यानी जान तुम हमारी जान हो, तो ऐ जान यानी महबूबा के लिए इस्तेमाल हो रहा है। अगर आप सोच रहे हैं कि ऐ जान ऐ जान ऐ जान क्या चीज़ है, आगे लिखते हैं, होली की तरफ है जो हर एक जा में नमूदार, सुनते हैं कहीं राग कहीं मैं से है सरशार, है दिल में हमें तो तेरी नजरों से सरोकार, पिचकारी हमें तू लगा या ना लगा यार, हमको तो फकत है यही अरमान इधर देख, है धूम से होली के कहीं शोर कहीं गुल, होता नहीं कुछ रंग छिड़कने में तामुल, दफ बचते हैं सब हंसते हैं और धूम है बिल्कुल, होली के खुशी में तो ना कर हमसे तगाफुल, ऐ जान हमारा भी कहां मान इधर देख, है दीद की हैरान तलब दिल को हमारे, जीते हैं फकत तेरी निगाहों के सहारे, है यहाँ जो खड़े आन के इस शौक के मारे, हम एक निगाह के तेरे मुश्ताक हैं प्यारे, टुक प्यार की नजरों से मेरी जान इधर देख, हर चार तरफ होली की धूमे हैं आहा हा, देखे जिधर आता है नजर रोज तमाशा, हर आन झमकता है अजब ऐश का चर्चा, होली को नजीर अब तू खड़ा देखे है या क्या, महबूब ये आया अरे नादान इधर देख। ये आखिरी नज़्म है होली पर इस पॉडकास्ट में जो मैंने शामिल की है, वो आपको सुना दूं। लिखते हैं कि आधम के ऐशो तरब क्या क्या जब हुस्न दिखाया होली ने, आधम के ऐशो तरब क्या क्या जब हुस्न दिखाया होली ने, हैरान खुशी की धूम हुई यूं लुत्फ जताया होली ने, हर खातिर को खुरसंद किया हर दिल को लुभाया होली ने, दफरंगी नक्श सुनहरी का जिस वक्त बजाया होली ने, बाजार गली और कूचों में गुल शोर मचाया होली ने, या स्वांग कहूं या रंग कहूं या हुस्न बताऊं होली का, सब अब्रन तन पर झमक रहा और केसर का माथे टीका, हंस देना हर दम नाज भरा दिखलाना सच धज शोखी का, हर गाली मिसरी कंद भरी हर एक कदम अटखेली का, दिलशाद किया और मुह लिया ये जौबन पाया होली ने, कुछ तबले खटके ताल बजे कुछ ढोलक और मृदंग बजी, कुछ झड़पे बीन रबाबों की कुछ सारंगी और चंग बजी, कुछ तार तंबूरों के झनके कुछ ढमढी और मुहचंग बजी, कुछ घुंघरू खटके झमझम झम कुछ गदगद पर आहंग बजी, है हरदम नाचने गाने का ये तार बंधाया होली ने, हर जागा थाल गुलालों से खुश रंगत की गुलकारी है और ढेर अबीरों के लागे सो इशरत की तैयारी है, हर राग बहारें दिखलाते और रंग भरी पिचकारी है, मुंह सुर्खी से गुलनार हुए तन केसर की सी क्यारी है, ये रूप चमकता दिखलाया ये रंग दिखाया होली ने, हरान खुशी से आपस में सब हंस हंस रंग छिड़कते हैं, रुखसार गुलालों से गुलगू कपड़ों से रंग टपकते हैं, कुछ राग और रंग झमकते हैं कुछ मैके जाम छलकते हैं, कुछ कूदे हैं कुछ उछले हैं कुछ हंसते हैं कुछ बिकते हैं, ये तौर ये नक्शा इशरत का हरान बनाया होली ने। नज़ीर की होली दिवाली की जो नज़में हैं उन्हें आप पढ़िए ज़रूर, यकीन हो जाएगा कि किसी लैंग्वेज के ऊपर किसी धर्म की मोनोपोली नहीं हो सकती है। पोएट्री का मकसद ही तो ये होता है दिमाग खोले आपका, एक बार दिमाग खुल जाता है ना फिर किसी चीज़ से फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक चीज़ है जिससे फ़र्क पड़ता है और वो है नज़ीर अकबर आबादी की नज़में। फिर से कह रही हूँ, नहीं पढ़ी हैं आपने ठीक से तो ज़रूर पढ़ लीजिए। अभी तक आपको उनकी होली की नज़में सुनाई हैं, अब जाते जाते अपरूपा गुप्ता ही आपके लिए गा रही हैं नज़ीर अकबर आबादी की नज़म का एक छोटा सा हिस्सा, और ये वाला भी बहुत शानदार गाया है। दूर से
आए थे साकी सुन के मैं खाने को हम बस तरसते ही चले अफसोस बेमाने को हम दूर से आए थे साकी मैं भी है मीना भी है सागर भी है साकी नहीं दिल में आता दिल में आता दिल दे आग में खाने को हम दूर से आए थे साकी। थैंक यू सो मच अपरूपा, इनके दोनों ही पीसेस सुनकर मजा आ गया है सच में। आप इंस्टाग्राम पे इन्हें जरूर फॉलो कीजिए, बहुत खूबसूरत आवाज है, बहुत प्यारी आवाज है। और अगर आपको लगता है आप भी गा सकते हैं, गाना चाहते हैं, तो मुझे जरूर बताइए। प्लीज इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करें और मैसेज कीजिए। अगर कोई शायरी है जो आप चाहते हैं कि मैं पढ़ूं तो वो भी शेयर कर सकते हैं, कोई थॉट है तो वो भी शेयर कर सकते हैं। गाने के शौकीन है तो मुझसे एक बार पूछ लीजिए कि जी आपका अगले हफ्ते का थीम क्या है, तो एक हफ्ते पहले मैं आपको बता दूंगी। उसके हिसाब से अगले 2-3 दिन में अगर आप मुझे कुछ प्रिपेयर करके भेज सकते हैं तो हो सकता है कि उस हफ्ते आने वाले एपिसोड में मैं आपका जो परफॉर्मेंस है, आपका जो पीस है, वो शामिल कर लूं। लेकिन उसके लिए शर्त है कि आप मुझसे कॉन्टैक्ट करें, बात करें इंस्टाग्राम पर आकर, क्योंकि वहीं पे मैं सबसे ज्यादा एक्टिव हूँ। फबेहा सैयद नाम है मेरा। या फिर जो प्रोड्यूसर है हमारे प्रतीक लिधु, आप उन्हें भी फॉलो कीजिए, उनसे भी आप ये सवाल कर सकते हैं जो आप मुझसे करना चाहते हैं। ठीक है, चलें अगले हफ्ते आपसे मिलते हैं हम, तब तक वही बात है, ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़। उर्दूनामा द क्विंट का ओरिजिनल पॉडकास्ट है जिसकी एग्जेक्टिव प्रोड्यूसर्स हैं शैली वालिया और ऋतु कपूर, और इस एपिसोड को प्रोड्यूस किया है प्रतीक लिधु ने। इसे लिखने, होस्ट करने और एडिट करने वाली हैं फबेहा सैयद, और इसकी बैकग्राउंड म्यूजिक ली है BMG प्रोडक्शन से। आप सुन रहे थे द क्विंट का पॉडकास्ट।